गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ही उसे नेक्स्ट लेवल करने वाले हैं, जहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाएंगे ही और साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से होते हैं वो आज आप यहाँ पर देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज आपका फ्लक्चुएटिंग एंड सेकंड इज आपका फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो आप डिफरेंसेस यहाँ देखने वाले हैं। पहले आप ध्यान रखिए, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आ जाए तो वहां आप सिर्फ फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में आप लोगों को साफ साफ बोला जाए कि फिक्स्ड अकाउंट बनाना है तो वहां आपको फिक्स्ड अकाउंट ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन दोनों अकाउंट को मैंने इस क्वेश्चन में कवर किया है जिससे कि आपको दोनों अकाउंट बनाने आ जाए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको दोनों अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए, लेकिन वो बहुत रेयर है। तो आइए हम समझते हैं कि आज हमारे पास फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पहले ही सिखा दिया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं, और क्वेश्चन रीड करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं। बहुत इजी है, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपके दो पार्टनर हैं, चिंटू एंड मिंटू। चिंटू एंड मिंटू स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। दे कंट्रीब्यूटेड 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर ने एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, और उन्होंने अपनी कैपिटल, साफ साफ लिखा हुआ है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है 90,000 एंड 60,000 एज देयर कैपिटल। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज अंडर। तो बेटा, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस है या प्रेजेंस है। तो इस क्वेश्चन में भी आपका प्रेजेंस है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, यहाँ भी इस क्वेश्चन में आपका प्रेजेंस दिया हुआ है। तो इट मीन्स क्वेश्चन के अंदर जितनी भी टर्म्स कंडीशन है हमें सारी माननी पड़ेगी। तो पहले तो आप सिंपली फ्री माइंड होके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रिएट करना है। हमने पहले आप क्वेश्चन में आपको पढ़ा देता हूँ, फिर फटाफट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रिएट करते जाएंगे, साथ के साथ ही हम क्रिएट करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ए पॉइंट में आपको दे रखा है, चिंटू एंड मिंटू टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹1,000 एंड ₹1,500 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सैलरी आपकी कितनी गिवन है आप देख सकते हैं, चिंटू की है ₹1,000। तो इट 1,000 पर मंथ है, तो आपको पर मंथ के लिए इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो पूरे एक साल, जब वन ईयर फिनिश हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर फिनिश हो जाता है या कैलेंडर ईयर फिनिश हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटू 12 करना पड़ेगा, तो इंटू 12 करते ही आपका 12,000 आ जाएगा। चिंटू को हम सैलरी दे रहे हैं कितनी, 12,000 पर ईयर। मिंटू को पर मंथ आपकी कितनी है, 1500। तो यहां पर मिंटू की सैलरी अभी कितनी रहेगी, 18,000। गॉट इट। अभी आपके पास यहां पर टोटल सैलरी 30,000 आप उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इट मीन्स एप्रोप्रिएशन का मतलब उन लोगों को हम यहां पर ये देने वाले हैं। कौन दे रहा है, फर्म दे रही है, बिजनेस दे रहा है। जब बिजनेस दे रही है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली। सेकेंड पॉइंट, मिंटू इज अलाउडेड ए कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। मिंटू कह रहे हैं कि हमें कमीशन चाहिए, वो भी नेट प्रॉफिट के ऊपर 5%। ये सब कंडीशन आपको कल भी समझाई थी। ओके, तो 5%, क्योंकि मिंटू कह रहे हैं कि मैं काम बहुत ज्यादा करता हूँ, आपका गुड्स बहुत सोल्ड करता हूँ, तो इसीलिए मुझे नेट प्रॉफिट के ऊपर 5% का क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन चाहिए। तो ठीक है, हम लोग जरा पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कमीशन कितना होगा। तो बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं कमीशन कितना है आपके पास, प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 80,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000, तो 80,000 नेट प्रॉफिट है। आपने क्रेडिट साइड लिखते हैं नेट प्रॉफिट, आपको पता ही है, उसका तुरंत आपने क्या निकाला, 5%। 80,000 का 5% जब आप लोग निकालेंगे तो कमीशन कितना जाएगा मिंटू का,
आप देख सकते हैं 4000। ओके, थर्ड सी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स विल बी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बोला जा रहा है कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स विल बी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, वो भी 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जितना पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया हुआ है उसका 10% आपको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आपको लगा के देना पड़ता है पार्टनर्स को। तो ठीक है, हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल पे दे देते हैं। अभी अगर आपको पता हो, हमने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखा था, तो चिंटू ने 90,000 अपनी कैपिटल लगाई थी, तो 90,000 का 10% 9,000। मिंटू ने लगाई थी 60,000, तो कितना हो जाएगा 10% 6,000। तो यहां पर टोटल कितना हो गया, 15,000 हम लोगों ने उनको दे दिया है। ओके, अभी क्वेश्चन में आगे दिया गया है डी पॉइंट। डी पॉइंट में बोला गया है आपका, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस विल बी इन द रेशियो और देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बोला जा रहा है कि जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस पे होगा, जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उसी रेशो पर होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कैपिटल कितनी लगाई है बेटे, कैपिटल लगाई है 90,000 एंड 60,000। तो 90,000 एंड 60,000 को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यहां पर रेशो आ जाएगा 3:2। 90,000 एंड 60,000 को आप कट कर देंगे, कट करने के बाद जैसे उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना जाता है, 3:2। ये आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहां पर जब भी प्रॉफिट बचेगा आपका तो हम लोग इजीली डाल देंगे। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, जिससे और समझ में आ जाए हमारे को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 बिफोर मेकिंग द अबव अप्रोप्रिएशंस वाज 80,000। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट, जितना भी उन्होंने प्रॉफिट लास्ट ईयर में आपके पास आया है, जितनी भी आपकी एक कंडीशन थी उससे पहले का आया है 80,000। हम लोगों को हमेशा बिफोर वाली कंडीशन चाहिए होती है बच्चों, हम लोगों को आफ्टर वाली नहीं चाहिए होती। यदि आफ्टर वाली होती है तो आप लोगों को वहां कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बिफोर दे रखा है तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 80,000 डायरेक्ट 80,000 आप लोगों ने यहाँ पर अपना क्या दिखा दिया है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शो कर दिया है कितना 80,000। गॉट इट। अभी क्वेश्चन के अंदर आगे दिया हुआ है, द ड्रॉइंग्स ऑफ चिंटू एंड मिंटू वर 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। यहां पर चिंटू और मिंटू की जो ड्रॉइंग है वो कितनी दे रखी है, 20,000 और 30,000। इट मीन्स चिंटू और मिंटू ने 20,000 और 30,000 रुपए निकाल लिए थे अपनी ड्रॉइंग्स, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड रुपीज 1,000 फॉर चिंटू एंड रुपीज 1,500 फॉर मिंटू। तो साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी फर्म बिजनेस उनसे इस चार्जेस पर कितना लेने वाला है, 1,000 रुपीज लेने वाला है मिंटू से और चिंटू से ले सॉरी चिंटू से लेने वाला है 1,000 और मिंटू से लेने वाला है 1,500। गॉट इट माई पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है। तो यहां दोनों आपके सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गए हैं। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में क्यों लिखे, तो बच्चों ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपनी अपने लिए बना रही है। अभी जब कंपनी अपने लिए बना रही है तो कंपनी के पास ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट आ रहा है। कौन दे रहे हैं, पार्टनर्स दे रहे हैं। जब पार्टनर्स देंगे तो डेफिनेटली कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड। तो लो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या दिखा दिया, यहां पर उसकी कंपनी की इनकम शो कर दिया, इसीलिए यहां पर क्रेडिट साइड शो हुआ है। तो नेट प्रॉफिट अगर मानेंगे तो 80,000 ही है, लेकिन इसके साथ आपकी थोड़ी सी इनकम आपको और मिल गई है। तो एक्चुअल में आपके पास यहां जितना भी टोटल आगे कितना 82,500। अभी आपने 82,500 से ही क्या दिया, 30,000 दे दिया सैलरी, कमीशन मिंटू की दे दिया 4,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 दे दिया है, बचा कितना 33,500। कितना बचा रिमेनिंग प्रॉफिट आपका, 33,500। और क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया था कि जितना प्रॉफिट बचेगा वो उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर अभी अभी इस कैपिटल रेशो को सिंप्लीफाई किया है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 3:2 रेशो। तो 3:2 का मतलब हुआ चिंटू को मिलने वाला है 3/5
एंड मिंटू को मिलने वाला है 2/5, वही आप लोगों ने किया है बेटा, चिंटू को 3/5 और मिंटू को 2/5, इजीली कर लिया है आप लोगों ने ये। यहाँ पर आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया। ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो आप लोग करते हुए आ रहे हैं। आज हम जो नया सीखने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, जिसको हमने नाम दिया है और नाम आपके अकाउंटेंसी चैप्टर में भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू टाइप्स के होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो पहले हम लोग फ्लक्चुएटिंग अकाउंट को छोड़ के पहले हम देखते हैं फिक्स्ड अकाउंट। कौन सा देखते हैं बेटे, फिक्स्ड अकाउंट। तो उसको दिखाने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में सैलरी आपकी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड प्रॉफिट है। तो फोर आइटम दे रखी है डेबिट साइड में और ये चारों आइटम कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हैं। कंपनी किसको दे रही है, पार्टनर्स को दे रही है। लेकिन हम अब कौन से अकाउंट बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स के अकाउंट। किसके अकाउंट बना रहे हैं बेटे, पार्टनर्स के अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी जब आप पार्टनर्स के अकाउंट बनाएंगे तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप लोग यहां पर दो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जब फिक्स्ड होता है। तो ध्यान रखिए फ्लक्चुएटिंग अलग है और फिक्स्ड अलग है, ठीक है। फिक्स्ड के अंदर आपको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग अलग है और फिक्स्ड अलग है, और फिक्स्ड में आपको दो अकाउंट क्रिएट करने हैं। तो पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट सेकंड। ये दोनों फिक्स में ही आते हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास जितनी भी कैपिटल है वो कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में। 90,000 एंड 60,000 चिंटू एंड मिंटू की आप डालेंगे और यही कैपिटल आप क्या कर देंगे, यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन करके शो कर देंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आपका खत्म हो चुका है। अब आपने इसमें कैपिटल क्यों डाली है, क्योंकि नाम क्या दे रखा है, कैपिटल अकाउंट। क्या नाम दे रखा है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनकी कैपिटल ही आनी है। बाय द वे क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जाए कि चिंटू ने अपनी एडिशनल कैपिटल लगा दी, मिंटू ने अपनी एडिशनल कैपिटल लगाई, तो जितनी भी कैपिटल लगाई है उठाओ और यहाँ पर लगा दो, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में ही कैश के नीचे आप डायरेक्टली यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे। अब यहां पर ये कैपिटल अकाउंट आपका फिनिश हो गया, इसमें और कुछ छेड़खानी आपने नहीं करनी है। सेकंड है पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, यहां क्या करना है वो देखना है हम लोगों ने बच्चों। यहां क्या करोगे आप, यहां पार्टनर के लिए ये अकाउंट क्रिएट कर रहे जा रहे हैं, यस और नो, ओके यस। तो यहां पर अभी हमने आपको दिखाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सैलरी आपने दे दी थी पार्टनर को, कमीशन दे दिया था पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था पार्टनर को, और प्रॉफिट दे दिया था पार्टनर्स को। ये चारों चीज पार्टनर्स को मिल रही हैं। तो कंपनी के लिए तो ये एक्सपेंसेस है, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम। और आपका अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी एक्सपेंसेस थे वहां पर वो सारे के सारे उठ के यहां पर आ जाएंगे तुरंत। कुछ नहीं करना आपने बच्चों, सारे एक्सपेंसेस जो वहां थे वो इनकी इनकम बन गए। देख सकते हैं सैलरी चिंटू मिंटू, कमीशन सिर्फ एक जने को मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको बटा हुआ है प्रॉफिट वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो दिखा दिया है, एनी डाउट। अब आप लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में अगर हम बात करें आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो आपने प्रॉफिट जो लिखा है 80,000 वो नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि वो तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ लिखा ही लिखा है, ओके वो नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 1000 और 1500। तो 1000 और 1500 क्रेडिट साइड है, उसको कहाँ डालेंगे आप, डेबिट साइड डालेंगे। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1000 और 1500 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है, कितना 1000 और 1500। और अब यहां पर सिर्फ एक नई हेड बढ़नी है, ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर इन कैपिटल अकाउंट के अंदर आपकी दो अमाउंट आती है बेटा जी। एक तो आती है यदि किसी पार्टनर ने अपनी एडिशनल कैपिटल लगा रखी है तो वो ऊपर आ जाएगी, और यदि किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग किया है तो वो कहाँ जाएगा, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर ही आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन में आपने पहले ही रीड कर चुके हैं कि हाँ ड्राइंग्स किया है, कितना ड्राइंग्स है, 20,000 एंड 30,000। सिंपल, यहाँ आपने बैलेंसेस निकाले, बैलेंसेस कितने आ जाएंगे आपके यहाँ पर, बैलेंस कैरी डाउन करते 20,100 एंड 9,900।
सर में आ रहा है 41,100 में से आपने लेस कर दिया 20,000 और 1,000, तो आंसर इज आपका 20,100। यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये था आप लोगों का फिक्स्ड अकाउंट। तो करा क्या आप लोगों ने, सिर्फ यदि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है तो आपने डेबिट की आइटम क्रेडिट में डाल दी। सर में आ रही है बात? रटना नहीं है, ये रूल है हमारा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जाता है किस चीज के लिए बच्चों? फर्म के लिए, और ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो यहां तक समझ में आ रहा है? अब बहुत मजेदार है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। करना क्या है उसके अंदर, देखिए जी, ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अभी आपके सामने दो अकाउंट आए थे जिसमें था आपका फिक्स्ड अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट। इन दोनों अकाउंट को आप लोग मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे आप? दोनों अकाउंट को मर्ज कर देंगे, दोनों अकाउंट को मिला देने हैं, बीच में से लाइनें हटा देंगे और कुछ नहीं करना है, और बन गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, कैश है यहां पर, और इधर सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट आ गया है। तो हम लोग अभी चेक करते हैं क्या ऐसा ही है या नहीं है। देखिए यहां पर जब आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाया जाता है तो सबसे पहले आपने कैपिटल डाल दी 90,000 और 60,000। देख सकते हैं आप लोग, यहां पर भी ये था और यहां पर भी यही है। ठीक है बच्चों, यहां पर भी यही दे रखा है और यहां पे भी दे गया है। और मर्ज करने के लिए मैंने आपको बोला है अभी कि आप सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी की सारी चीजें कहां डाल देंगे? यहां डाल देंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, जो आपने सब डाल दिए, मर्ज कर दिए हैं। ऐसे ही आप लोगों ने इस साइड को भी मर्ज करना है। देख सकते हैं कैश है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो आप लोगों ने यहां पर भी कैश लिखा जो ड्रॉइंग्स है आप लोगों की, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इन दोनों को लिखा। अभी आप लोगों ने इनका टोटलिंग अलग अलग हो जानी है, पक्की बात है। तो 1,31,100 में से आप लोग लेस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैरी डाउन करके 1,10,100, और यहां पर जाएगी 69,900। गॉट इट माई पॉइंट? यहां आपका पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी फिनिश हो गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो एक क्वेश्चन है इसके अंदर आपका जो नया चीज आपने सीखी है वो है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो इजी, कुछ नहीं करना है। यदि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ रहा है तो इजीली आपने रूल फॉलो करना है, और आप लोगों ने डेबिट की आइटम उठा के क्रेडिट में डालनी है, और क्रेडिट की आइटम उठा के डेबिट में डालनी है, लेकिन जो क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखा है वो नहीं डालना है। ओके, समझ में आ रही है बात? यहां बेटा आपके क्वेश्चन खत्म हो गया है ये, और मैंने आपको होमवर्क के लिए इसी वीडियो में अटैच की हैं, दो पीडीएफ अटैच करी हैं, वो आपके होमवर्क के लिए हैं, आप उनको जरूर डाउनलोड करेंगे और उनको आप होमवर्क में जरूर करेंगे। कल मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेवल पर। ओके, थैंक यू।